तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब से हम लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया है, बार बार हमको ये बताया जाता है कि हमें हमारा जीवन सादगी में गुजारना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई, जो भी हम करते आए हैं, जो भी सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स हम ले रहे हैं, उनको हमें धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि उसका तत्व यह है कि हमारी इंद्रियां भोग के लिए व्याकुल रहती है, और जितना भोग हमारी इंद्रियों को प्राप्त होता है, उतनी हमारी इंद्रियां जो है वो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अयोग्य हो जाती है। चाहे हम भक्त हैं या नहीं हैं, अगर हम इंद्रियों को भोग देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक अनुभूति की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अभी हम देखते हैं देवता, सब देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन अधिकतर सारे इंद्रादि देवता जो हैं वो सब इंद्रिय भोग के लिए तड़पते रहते हैं। समुद्र मंथन क्यों किया? समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त हो जाए और अनंत काल तक इंद्रियों का भोग करते रहें। देवताओं के मन में भी यही प्लान था और राक्षसों के मन पे भी यही प्लान था। तो इसलिए केवल भक्त बनने से कुछ नहीं होता है कि हम भक्त हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हमारे जीवन में वैसा परिवर्तन आना चाहिए सादगी वाला, यहाँ तक कि हम भक्त बनने के बाद पाप करना छोड़ देते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, नशा नहीं करते हैं, या झूठ नहीं बोलते, किसी का दर्द नहीं देते, किसी का अपराध नहीं करते हैं। ये सारे जो पाप के काम है वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके आगे सुख सुविधाएं हैं जो हम अपने इंद्रियों को देना चाहते हैं। जैसे कि अच्छा अच्छा भोजन हमको करना है, अच्छी तरह से नरम नरम बिस्तर पे हमको सोना है, अच्छी तरह से सुख सुविधा पूर्ण हमें यात्रा करनी है जहां पर भी जाना है, और रहने खाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हमको होनी चाहिए। तो ये पाप कर्मों को छोड़ने के बाद में जो सुख सुविधाओं को भोगने की प्रवृत्ति है, इसको भी त्याग करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना जीवन जो है वो सादगी पूर्ण बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसीलिए शंकर जी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। शंकर जी और पार्वती पूरे ब्रह्मांड को, सबको भोग के विषयों का वरदान देते हैं। पार्वती जी शंकर जी की पत्नी है, पूर्ण उनके नियंत्रण में है, पूरे विश्व को धन दौलत, खाना पीना, इंद्रिय भोग, आराम, सुख सुविधाएं जो चाहिए वो सब देते हैं, लेकिन स्वयं दोनों एक पेड़ के नीचे रहते हैं। उनके पास स्वयं के लिए भी सुविधा वो उत्पन्न कर सकते हैं, अगर वो दुनिया को दे सकते हैं तो स्वयं के लिए भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो जैसे बाय चॉइस अपने स्वेच्छा से पेड़ के नीचे रहना पसंद करते हैं। और शिव जी तो भस्म लगा कर बैठते हैं, एक व्याघ्र जीन पहनते हैं और दिन रात भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं।
यहां तक कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तब सारे देवता विष प्राप्त होने के बाद भाग गए। विष शिवजी ने आके पिया, फिर सब लोग वापस लग गए समुद्र मंथन करने में। और सबसे विचार करने की बात यह है कि जब अमृत निकला तो क्या शिवजी वहां पर आए थे क्या अमृत लेने के लिए? अरे मैंने तो इतना विष, सबको विष से सबको बचाया, विष पी लिया, मेरा तो हक बनता है, सब लोग देवता अमृत ले रहे हैं, मैं जो भी लेना चाहिए। लेकिन शिवजी जब अमृत निकला तब वहां नहीं पहुंचे, ये उनके चेतना का सादगी, चेतना की जो सादगी है वो बताता है। इसलिए शिवजी महादेव हैं और बाकी सब देवता हैं। और केवल देवता बनने से, भगवान का नियम पालन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इंद्रियों के लिए बहुत ज्यादा सादगी को निर्माण करना जरूरी है। हमारी चेतना का अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना है, अगर उसको वृद्धिंगत करना है, हमारी चेतना को विस्तारित करना है, दिव्य रूप में रूपांतरित करना है, तो ये सादगी बहुत आवश्यक है। इंग्लिश में कहा है कि द मोर यू सिंप्लीफाई योर लाइफ द मोर यू मैग्निफाई योर कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक चेतना में तेज तर्रार धार तब आती है जब इंद्रियों के स्तर पर जीवन बहुत सादगी पूर्ण होता है। तो आज का हमारा मैसेज है कि सिंप्लीफाई टू मैग्निफाई। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, अपनी चेतना को मैग्निफाई नहीं कर सकते हैं, जब तक जीवन और हमारा कार्य, हमारे कार्यकलाप, हमारा इंद्रियों के स्तर पर किया हुआ कार्य सादगी पूर्ण नहीं होता है, तब तक उन पर आधारित जो हमारी चेतना है उसका विकास नहीं होता है। तो आइए शिवजी की और ये देवताओं के उदाहरण से हम ये समझें कि फाइनली हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चार नियम पालन करते रहेंगे, अच्छी सुविधा लेते रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक आते रहेंगे, भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, वही सुख सुविधा अपनाते रहेंगे, महलों में रहेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर वही चार नियम का पालन करेंगे। ये श्रृंखला हमको तोड़नी है। इंद्रियों के प्रति भोग लेने की जो आसक्ति है उसको त्याग कर बहुत सादगी पूर्ण जीवन अपनाना अभी बहुत आवश्यक है। तब जाकर हमारी चेतना विकसित होगी और वो विकसित प्रगत वृद्धिंगत चेतना में भगवान अपने अस्तित्व की और अपने प्रेम की अनुभूति हमको देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे श्याम।